Good morning, students. Students, earlier we have discussed about the chapter, the poem. We have already discussed its meaning, and explanation is already completed. I hope you will understand. If you have any problem, you just consult me. You just make a call. And now, just today, we are going to start with its poet. About the poet, the Emil Lowell is. Date of birth is 1874 and date of death is 1925, was an American poet of great accomplishment. She wrote essays, translated the work of others, and wrote literary biographies, including one about John Keats, the poet. Her work is full of imagery, so she is known as the Imagist poem. Her book, What's O'Clock, was awarded the Pulitzer Prize in 1926. Students, when you read about the, when you have read about this poem, the poem, when you get to know what he has, it is mentioned here ki Emil Lowell is the imaginist, the imaginist poet. Yes, it is correct, because when we write, when we read this poem, every time there is a imagery, visual imagery just comes in our mind. मीन्स जब भी हम ये पोएम पढ़ते हैं तो इस पोएम में ऐसे ऐसे चित्रों का वर्णन किया गया है जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बनने लगते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द इमेजरी. मीन्स एक चित्र हमारे दिमाग में बनता है, हमारे मस्तिष्क में बनता है, तो उसको हम इमेजरी बोलते हैं. तो इनको एमिल लॉयल को, एमिल लॉयल जो कि एक पोएट हैं, ये बहुत ही फेमस हैं अपने इमेजिनेशंस के लिए. मीन्स जो भी इनकी राइटिंग्स होती हैं, उस राइटिंग सेक्शन में मैक्सिमम टाइम यू विल फाइंड इमेजिनेशन. ताकि ये इमेजिनेशन के बहुत सारे पार्ट हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ द विजुअल इमेजिनेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम इस टाइप की पोएम पढ़ें, जब आपने पोएम पढ़ा कि एक ट्विग है जो ग्रीन बर्ड है एंड पे, और उसको जब आप प्लांट कर रहे हैं तो तुरंत आपके सीन में दिमाग में आ जाता है कि बागीचे का सीन है जिसमें आप एक छोटा सा पौधा प्लांट करने जाते हैं और उसको फिर आप पानी दे रहे हैं, उसको धूप दे रहे हैं, फिर वो कुछ दिनों बाद बड़ा हो रहा है. तो ऑल दोज थिंग्स यू आर रीडिंग इन दिस पोएम, इन दिस चैप्टर, बट ये पूरा प्रोसेस इज हैपनिंग इन योर माइंड. ऑल दोज प्रोसेस इज हैपनिंग इन योर माइंड. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वट टाइप ऑफ इमेजिनेशन इज शी हैज़ यूज हियर. दैट इज़ वाई शी इज कॉल्ड ट्रू द इमेजिनिस्ट पोएट. इसलिए इमेजिस्ट पोएट इनको कहा जाता था, क्योंकि जो भी चीज़ें इन्होंने लिखा, वो सारी चीज़ें भले ही हम यहाँ बुक में पढ़ रहे हैं, बट हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें बनती जाती हैं. ऐसा लगता है कि ये सचमुच में हो रहा है, इसलिए इनको इमेजिस्ट पोएट कहा जाता है. अब आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ हार्ड वर्ड्स पे, एंड मैंने कुछ दिया भी था आपको हार्ड वर्ड्स. Now come to here, the closest, a large cabinet or area like a cupboard or storage. Here and there, shovel, sink, water, thrust, push, drive, force. Now students, this is a few hard words you just write down, and if you have any problem, you just find out other hard words. If you are willing to ask, you are free to ask. And tomorrow I'll discuss about the question answer of this poem.